कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामलाल ठाकुर ने कांग्रेस हाईकमान द्वारा टिकट प्रदान कर उन पर विजय के प्रति विश्वास जताने को लेकर हाईकमान राहुल गांधी, कांग्रेस के दिग्गज नेता आनंद शर्मा, वेणुगोपाल, हिमाचल कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल का तहे दिल से आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि सांसद बनने के प्रति कभी भी टिकट की मांग नहीं की। जो नेता टिकट लेना चाहते थे उनकी भावनाओं का भी मैं आदर करता हूँ। हाईकमान से चुनाव लड़ने के लिए टिकट की मांग करना सभी का अधिकार है। टिकट लेने के लिए कई नेताओं ने लॉबिंग की थी, मगर उन्होंने स्वयं को इस लॉबिंग से बाहर रखा था, जिस कारण मैं उन साथियों के साथ सामंजस्य बनाकर उनके सहयोग से विजय पताका हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में लहराऊंगा। हमीरपुर से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामलाल ठाकुर ने कांग्रेस हाईकमान के द्वारा उम्मीदवार घोषित किए जाने के बाद हुंकार भरते हुए कहा कि इस बार उनका मुकाबला मुख्यमंत्री पुत्र से नहीं अपितु सांसद अनुराग ठाकुर से होगा। उन्होंने कहा, बतौर सांसद जनता अनुराग ठाकुर को पराजय का मुंह दिखाकर उसकी करनी का हिसाब पूर्ण करेगी। हाईकमान के पास जो है बहुत सारे जो उम्मीदवार थे उनके बारे में चर्चा चली कि पार्टी का उम्मीदवार को बनाया जाए, और मैं राहुल गांधी जी का और हमारे वेणुगोपाल जी जो जनरल सेक्रेटरी हैं उस पार्टी के, आनंद शर्मा जी हैं प्रदेश के हमारे कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और सीएलपी के नेता, कुल मिला के मैं कहना चाहूँगा कि रजनी जी और हमारे सह प्रभारी गुरप्रीत जी, इनसे जब मुझे टेलीफोन पे बात हुई और मुझे कहा गया कि आपने चुनाव लड़ना है, तो मैंने ये कहा था कि जो पार्टी का आदेश होगा मैं उसके मुताबिक चलूँगा। पार्टी उम्मीदवार बहुत सारे होते हैं, पार्टी के उम्मीदवार बनने के लिए सब अपना जो है वो प्रार्थना पत्र भी देते हैं और उसके लिए जो है टिकट प्राप्त करने के लिए लॉबिंग भी करते हैं, पर मैं उस लॉबिंग से बाहर अपने आप को रखे हुए था।